ছিল এটা অরিজিনাল প্ল্যান, তো এটা এখন করতে হলো। যাই হোক, আমাদের খুব সৌভাগ্য আজকে শ্রী অমিত শাহজি আজকে সবাইকে সম্বোধনা করবেন। উনি প্রথমে একটু বলবেন, তারপরে আমরা কিছু প্রশ্ন নেব। আপনারা হিন্দিতে বলতে পারেন, বাংলায় বলতে পারেন, যে কোনো ভাষায় প্রশ্নটা করতে পারেন, তো সেটা নিয়ে কিছু। অমিতজি, প্লিজ স্টার্ট। চালু করো ভাই মাইক। भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में आप सभी का हृदय से स्वागत है। वैसे स्वपन दास जी ने थोड़ा कह ही दिया, मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं कि एक दो बार इसको रिशेड्यूल करना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और आगे पर ऐसी तकलीफ न पड़े इसका ध्यान भी रखेंगे। मित्रों, आज मेरा आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और एक दो मीटिंग कर बंगाल का दो दिन का दौरा मेरा समाप्त हो जाएगा। ये दो दिन में चार विभागों के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अलग अलग समाज के कार्यकर्ताओं को मिलना हुआ। लगभग 180 से ज्यादा संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी एक हॉल के अंदर दो तरफा संवाद भी हुआ है, और इससे बंगाल की जो परिस्थिति मेरे ध्यान में आई है, मैं इसको आपके सामने रखना चाहता हूं। वैसे भी पार्टी से समय समय पर बंगाल की परिस्थिति के बारे में जानकारी आती ही है। 2010 में बड़े चाव के साथ 11 अप्रैल में मां माटी और मानुष के नारे के साथ बंगाल के अंदर परिवर्तन किया था। बंगाल की जनता के मन में ढेर सारी अपेक्षाएं भी थी, आशाएं भी थी, और वो चाहते थे कि उनकी संवेदनाओं को उचित प्रतिसाद मिले, प्रॉपर रिस्पॉन्स मिले। एक लंबे समय के 3 दशक के कम्युनिस्ट शासन से बिल्कुल त्रस्त होकर तृणमूल कांग्रेस और उसकी नेत्री ममता बनर्जी के हाथ में बंगाल की सत्ताओं के सूत्र बंगाल की जनता ने दिए थे, मगर आज जब पीछे मुड़कर 10 साल के बाद देखते हैं तो मां माटी और मानुष का नारा तुष्टिकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। जो अपेक्षाएं रखी गई थी, किसी भी मानांक में तृणमूल सरकार और राज्य की मुख्यमंत्री अपेक्षाओं को पूर्ण करने में खरी नहीं उतरी है। वादे जो हुए वो खोखले साबित हुए और अपेक्षा निराशा में परिवर्तित हुई है, और आशा सरकार के प्रति क्रोध और गुस्से में तब्दील हो गई है, और जनता में एक अजीब प्रकार का वातावरण देखने को मिलता है। मैं जहां जहां गया, सैकड़ों की हजारों की संख्या में लोग रोड पर आए हुए थे। जब वो भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाते थे तो हमारे स्वागत के लिए कम थे ममता जी, पर गुस्से के कारण ज्यादा दिखाई पड़ते थे। एक आंख में तो ममता सरकार की विफलताएं और असंवेदनशील शासन के प्रति गुस्सा दिखाई पड़ता था, और दूसरी आंख में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही इसको बदल सकती है, ऐसी आशा दिखाई पड़ती थी। इसका कारण है बीजेपी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है।
जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, चाहे वो बीमारू राज्य हो, पहले बीमार बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हमारा शासन आया, वहां पर हमने स्थिति को बदला है। गुजरात के अंदर भी स्थिति को अंदर परिवर्तन लाए हैं। देश के अंदर सुशासन का एक नया मार्ग भारतीय जनता पार्टी ने मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर सेट किया है। और केंद्र में भी मोदी जी की सरकार बनने के बाद 5 ही साल में लगभग 60 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चाहे धन धन का अकाउंट देना हो, उसको अर्थतंत्र के साथ जोड़ना हो, चाहे घर देना हो, घर के अंदर गैस का सिलेंडर देना हो, बिजली देनी है, शौचालय देना है और अब शुद्ध पीने का पानी देना है, किसानों को हर साल 6,000 रुपया देना और गरीबों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं देना, एक नया आशा का संचार 60 करोड़ गरीबों के लिए किया है। और मैं बंगाल की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि आपने कांग्रेस को भी एक मौका दिया, कम्युनिस्टों को भी मौके बार बार दिए और 2 बार ममता दीदी को भी दिया, एक मौका मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बना दीजिए, दे दीजिए। हम 5 साल में सोनार बांग्ला बनाने का आपको वादा करते हैं। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, बंगाल के अंदर विकास हो, देश की सीमाएं सुरक्षित हो, बंगाल के अंदर घुसपैठ रुके। तृणमूल कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है, दीदी का एकमात्र लक्ष्य है कि अगली टर्म में भतीजे को मुख्यमंत्री बना देना। अब बंगाल की जनता को तय करना है कि परिवारवाद चाहिए या विकासवाद चाहिए। बैड एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया सूत्रपात, एक नया अध्याय ममता बनर्जी के नेतृत्व में बना है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण कर दिया है, राजनीति का अपराधीकरण कर दिया है और भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। और शायद ही कोई राज्य में ये तीनों चीजें हुई होगी, एक भी होती थी तो राज्य के पतन के लिए वो जिम्मेदार होती थी। यहां तीनों की तीनों चीजें बहुत स्किलफुली और बहुत सफल तरीके से ममता जी ने आरोपित करी है, प्रत्यारोपित करी है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन का संपूर्ण राजनीतिकरण करा है, राजनीति का संपूर्ण अपराधीकरण करा है और भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम ममता बनर्जी ने किया है। भ्रष्टाचार के उदाहरण मैं देना नहीं चाहता, कई बार मैं बंगाल की जनता और आप लोगों के सामने बोल चुका हूं, पूरी सूची है मेरे पास, आप पूछोगे सवाल में तो बता भी दूंगा। मगर साइक्लोन और कोरोना की महामारी में भी, सहायता में भी भ्रष्टाचार करने से तृणमूल की कैडर नहीं चुकी है, पीछे नहीं पड़ी है, ये इसका सबसे निकृष्ट और लेटेस्ट उदाहरण है। तुष्टिकरण से बंगाल की जनता के बहुत बड़े वर्ग के मन में क्या हम सेकंड ग्रेड सिटीजन है, ऐसा असुरक्षा का भाव खड़ा हुआ है। ढेर सारे मामले हैं तुष्टिकरण के, और तुष्टिकरण यहां तक पहुंचा कि एक प्रकार से बंगाल में 3 कानून हैं, एक अपने भतीजे के लिए, दूसरा अपनी वोट बैंक के लिए और तीसरा आम बंगाली के लिए। शायद ही देश में कोई एक राज्य होगा जहां 3 कानून चलते होंगे। कानून की पुस्तक में तो एक ही कानून है मगर इंप्लीमेंटेशन के लिए 3 कानून है, भतीजे के लिए अलग है, अपनी वोट बैंक के लिए, वोट बैंक से आप समझ ही रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, और बंगाल की जनता के लिए एक अलग कानून है। इस प्रकार का शासन शायद ही हमने देखा है। अभी अभी मैंने देखा ममता दीदी गड्ढे भरने का वादा कर रही है। मेरा उनसे विनम्र सलाह है, मैं आयु में छोटा हूं मगर राजनीति बहुत देखी है मैंने, पूरा देश घुमा हूं, कि दीदी अब गड्ढे भरने से कुछ नहीं होगा, जनता के भरोसे में बड़ा गड्ढा भर गया है, वो 6 माह में कभी भरा नहीं जा सकता, तो अब आप निरर्थक प्रयास रहने दीजिए। महिला सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो, मैं अभी आया तो उन्होंने कोई और राज्यों के बलात्कार के उदाहरण देखकर सोशल मीडिया में कुछ सवाल खड़े किए। मैं आज
ममता दीदी को शार्प क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि 2018 के बाद आपने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को आपके राज्य के बंगाल के गुनाह के आंकड़े क्राइम का रिकॉर्ड क्यों नहीं भेजा है? क्या छिपाना है आपको और क्यों छिपाना है? देश की जनता, दुनिया और बंगाल की जनता जानना चाहती है कि बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, क्यों आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को सब राज्य अपने आंकड़े भेजते हैं, भेजना नहीं चाहती हूं। मेरे पास 2018 के आंकड़े हैं। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि मैं देश का गृह मंत्री हूं, मुझे पूछते हैं कि भाजपा शासित राज्य में क्या है, इसका जवाब वो राज्य में जाकर हम देंगे। और अगर किसी को चर्चा कर, मोदी जी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मोदी जी ने बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं, मेरे पास पूरा सूची है, मगर मैं इसमें समय ज्यादा देना नहीं चाहता। मेरी पार्टी की ओर से सूची आपको प्रेस नोट के साथ एंक्लोज कर दे दी जाएगी, मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बंगाल में एक ऐसी सरकार ला दीजिए जो मोदी जी के विकास के प्रयासों को बंगाल की जनता तक पहुंचाए, क्योंकि 80 से ज्यादा केंद्रीय योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन पूरे देश में सबसे पुअर है, सबसे खराब है तो बंगाल में। मैं दो ही योजनाओं का आपको उदाहरण देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार दे रही है, और अब तक लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने अपने ऑपरेशन आयुष्मान भारत योजना के तहत करा दिए है। मगर दुर्भाग्य की बात है कि बंगाल के एक भी व्यक्ति इसमें ऑपरेशन नहीं कर पाई। किसान सम्मान निधि, हर किसान के खाते में सीधा 6,000 रुपया, कोई बीच में कैडर नहीं है, कोई टोलबाजी नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, बैंक अकाउंट में सीधा 6,000 रुपया मोदी जी भेजते हैं, मगर यहां से किसानों की सूची और बैंक अकाउंट नहीं देते हैं। अब तक 95,000 करोड़ रुपया देश भर के किसानों को गया है, मगर बंगाल के किसानों को कुछ नहीं मिला है। मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल के किसान का गुनाह क्या है, क्यों उसको ये 6,000 रुपया नहीं मिलता है, क्यों बंगाल के गरीब को ये 5 लाख तक की सुविधा नहीं मिलती है? ऐसी ढेर सारी योजना है और हर महीने एक पत्र लिखती है कि ये पैसा हमें दे दो। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, मगर इसके रूल्स बने हैं देश भर में। हमारे एक कार्यकर्ता ने कहा कि साहब ये क्यों मांग रही है, आपको मालूम है? मैं नहीं मांगता, मैं नहीं समझता क्यों मांग रही है, मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि सार्वजनिक जीवन की सुचिता ही नहीं रहती, ये पैसा कैडर की भेंट चढ़ जाएगा अगर उनके हाथ में गया तो। मगर मैं बंगाल के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए, मई के बाद आपके अकाउंट में ये पैसा सीधा मोदी जी भेजने की व्यवस्था करेंगे और आपके अकाउंट में पैसा आएगा, क्योंकि मई के बाद यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। मित्रों, योजनाओं के नाम बदलकर अपने नाम पर रखना और अपनी योजना कर प्रचारित करना, इससे बंगाल का भला नहीं होगा। समग्र स्थिति का विहंगावलोकन अगर करते हैं, उसका एक असेसमेंट लेते हैं, जायजा लेते हैं, तो ये निश्चित रूप से मैं आपको कहता हूं कि आने वाले चुनाव में बंगाल में हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। 200 सीट। ये सभागार के अंदर बहुत सारे पत्रकार है, जब प्रेस क्लब के हॉल के अंदर मैंने 22 सीटें कही थी, आपके चेहरे की मैंने मुस्कान देखी थी, इस बार आप नहीं हंसते हो, इतना अच्छा है, क्योंकि 18 सीटें हम जीत चुके हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि इस बार मुस्कुराने का टाइम मेरा है। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है और यहां पर तृणमूल का शासन समाप्त होने जा रहा है। ये बंगाल की जनता का मिजाज है, मोदी जी के प्रति बंगाल की जनता का विश्वास है और मोदी जी को बंगाल की जनता का आशीर्वाद है। जिस जनता ने लोकसभा में इतना अच्छा प्रतिसाद दिया है, वो जनता बंगाल के भले के लिए भी हमें जरूर एक मौका देगी, इसका मेरा भरोसा है। मैं फिर से बंगाल की जनता को करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दीजिए। नड्डा जी के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी बंगाल के चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है, क्योंकि इसके साथ देश की सुरक्षा भी जुड़ी हुई है और देश का एक अति पिछड़ा गरीब जनता के भले का भी सवाल है। दोनों मुद्दों को लेकर हम बंगाल की जनता के बीच में भी जाएंगे और परिवर्तन तक इसको ले जाएंगे, इसका मुझे भरोसा है। अब आप आपके सवाल पूछ सकते हो। स्वपन दा एक के बाद एक सबको कहेंगे। तो अपनारा বাংলাতে জিজ্ঞেস করতে পারেন, হিন্দি ইংরেজি যে কোনো ভাষায় যদি দরকার হয় এখানে কেউ অনুবাদ করে দেবে। হাত লিস্ট আছে তোমার কাছে, এখানে অলরেডি পাঠিয়েছে। প্রথমে এবিপি থেকে সবাল ইয়ে হ্যাঁ কি লোকসভা চুনাও কে বাদ দো নাম লেকে বঙ্গাল মে चर्चा चल रहा है जोर शोर से, एक क्रिकेटर सौरभ गांगुली और एक तृणमूल के नेता और मंत्री शुभेंदु अधिकारी। ये कहा जा रहा है कि पार्टी के संबंध में, पार्टी संबंध करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी में लाने की कोशिश हो रही है। अरे बहुत लंबी सूची है, दो में कहां अटक गए? मेरा किसी ने संपर्क नहीं करा मगर सूची बहुत लंबी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। चले नेक्स्ट। आपके साथ कोई संबंध हुआ है? नहीं मेरा नहीं हुआ, मगर बहुत लंबी सूची इतना मुझे मालूम है, जिनसे संपर्क होता है वो लोग बताते हैं। आप दो नाम तक सीमित मत रहिए, आगे बढ़िए। चलिए अच्छा, रोहित टाइम्स ऑफ इंडिया, आई एम सॉरी आई एम आस्किंग नेम्स, कैन यू मास्क के अनेक समय वी कांट रिकॉग्नाइज। सर ऑफ लेट देयर हैड बीन सम डेवलपमेंट्स इन द हिल्स, Bimal Gurung he has announced his severance of his ties with the BJP. तो पहाड़ में अभी जो सिचुएशन है उसको आप कैसे देख रहे हैं? और एक सवाल और है सर कि आने वाले चुनाव में how will you ensure that people they get to cast their votes despite violence? देखिए जहां तक Bimal Gurung का सवाल है, हम कल भी मानते थे कि वो गोरखाओं के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हम मानते हैं कि वो गोरखाओं के लिए लड़ रहे हैं। मगर मैं सवाल जरूर तृणमूल कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, जिन पर 1100 से ज्यादा मुकदमे जड़ दिए, आज आपके साथ बैठे हैं, अब क्यों अरेस्ट नहीं हो रहा है? वो क्योंकि आपके साथ आ गया। पॉलिटिकल वेंडेटा का इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकता। और मार्जिन इतना नहीं है कि एक दो लोगों को प्रताड़ित कर आप ले जाओगे और तख्ता पलट दोगे या चुनाव का परिणाम बदल दोगे। मार्जिन बहुत तगड़ा है, कुछ नहीं होने वाला है, हम जीतने वाले हैं। और जहां तक वोट का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे और भारत के चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और जब जनता निकलती है तो ना कैडर कुछ कर सकती है ना गुंडे कुछ कर सकते हैं। और बंगाल की जनता को मेरा अपील भी है, आप डरिएगा मत, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके अधिकार के लिए आपके साथ चट्टान की तरह खड़े। मनोज्ञ इंडिया टुडे और आज तक कुछ, आई डोंट नो व्हिच वन यू आर रिप्रेजेंट। अमित जी मेरे सवाल के दो भाग हैं। पहला कि सीए हाल ही में पार्टी अध्यक्ष आए थे जेपी नड्डा जी और उन्होंने कहा था कि हम सीएए को हर हाल में इम्प्लीमेंट करके रखेंगे। केंद्र में इसका कानून बन गया है, कब तक इसे इम्प्लीमेंट करेंगे? क्या बंगाल चुनाव के पहले हो सकता है? नहीं देखिए कोरोना की महामारी पर निर्भर है, मगर कानून बन गया है, इम्प्लीमेंट भी जरूर होगा बंगाल चुनाव के पहले। मैंने कहा ना कोरोना महामारी पर निर्भर है, परंतु कानून बन गया है और इसको इम्प्लीमेंट भी जरूर करेंगे। और ये हमारा कमिटमेंट है कि जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देना। दूसरा भाग है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बार बार ये कहा है कि बंगाल में आते ही रेड्स शुरू हो जाती हैं और बिना सरकार को जानकारी दिए गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं केंद्रीय एजेंसियों द्वारा। आप खुद केंद्रीय एजेंसियों के कई एजेंसीज के इंचार्ज हैं, गृह मंत्री बतौर क्या कहेंगे? एक भी एजेंसी का मैं इंचार्ज नहीं हूं, मैं रिकॉर्ड क्लियर कर दूं, ना सीबीआई मेरे अंडर में आती है ना ईडी आती है। मगर मैं कल लालाजी के यहां कोई रेड पड़ा है नाम तो मुझे मालूम नहीं है और ममता जी ने रिएक्शन दिया। ममता जी पहले जरा लाला जी से अपने रिश्ते उजागर कर दे, सार्वजनिक कर दे कि उनको क्यों इतनी चिंता हो रही है। कोयले की रेवेन्यू राज्य सरकार को भी मिलती है, केंद्र सरकार को भी मिलती है, कोयले की रेवेन्यू की चोरी करने वाले व्यक्ति के लिए इतना क्यों चिंता हो रहा है? ये महिलाओं के अपराध के आंकड़े कम करने के लिए इतनी चिंता करी होती तो ज्यादा अच्छा होता। वर्तमान राजू
सर ये 2021 का जो चुनाव है सर, हर जनता जानना चाहते हैं बीजेपी का सीएम कौन होगा, उसका प्रोजेक्शन क्या आप चुनाव से पहले करेंगे, एक और दो दो नंबर क्वेश्चन सर, ये आप ममता जी के अगेंस्ट में इतना सारे बोलते हैं सर, लेकिन वो तो आपके हेल्थ के लिए बहुत चिंतित है। कल आपके लड़के को उन्हें फोन किया था कि आपका डैडी यहाँ पे आए हैं, मास्क वगैरह आप छोड़ के घूम रहे हैं, वो बहुत चिंतित है सर, ये क्या कहेंगे इसके? नहीं, डैडी के आने की चिंता है या मास्क की चिंता है, मेरी समझ में नहीं आया। जहां तक सवाल है, सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत दुर्भावना मेरे मन में किसी के लिए नहीं है। मेरा ममता दीदी के लिए जो मैं सवाल उठा रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन के जुड़े हुए सवाल है, जो राज्य की मुख्यमंत्री नाते उनका दायित्व तो है, इस पर ही मैंने सवाल किए। उनके व्यक्तिगत जीवन या व्यक्तिगत बातों के लिए मैंने एक भी सवाल नहीं किया है। मैं मानता हूं इसको ना आपको कटुता के दृष्टि से देखना चाहिए, ना ममता दीदी ने देखना चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर ये हमारा अधिकार है एज अ ऑपोजिशन कि अगर कोई राज्य सरकार अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो हम सवाल पूछें। मौमिता फ्रॉम जी। सर अभी आपने बताया कि बंगाल का जो हाल है, जरा हाथ ऊपर करो तो हाँ। बस बोलिए। बंगाल का जो अभी हाल है कि बंगाल अभी फेमस है फॉर पॉलिटिकल वायलेंस, किसी भी कार्यकर्ता है 200 से ज्यादा कार्यकर्ता पॉलिटिकल वर्कर्स वो उसका खून हो चुका है। 2021 का जो चुनाव है वो कैसा चुनाव होगा, क्या 356 लागू होगा यहाँ पे? नहीं, जहां तक 356 का सवाल है, ये कोई सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय नहीं है, संवैधानिक मामला है और वो राज्यपाल महोदय से जो रिपोर्ट मिलती है इसके आधार पर केंद्र सरकार निर्णय करती है। परंतु 356 लागू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि अप्रैल में तो बदलने वाली है सरकार, किस पर करें? अरूप फ्रॉम नेटवर्क 18। सर अरूप फ्रॉम टीवी 18 नेटवर्क। सर यू आर रिपीटेडली टेलिंग दैट यू आर गेटिंग, यू आर गोइंग टू गेट 200 प्लस सीट्स इन फोर्थकमिंग असेंबली इलेक्शन। व्हाट आर द एरियाज ऑफ कंसर्न व्हिच बीजेपी मस्ट हैव टू एड्रेस इन द फोर्थकमिंग election, before the forthcoming election, first, and the next is why BJP is not projecting any chief minister face before assembly election? नहीं, जहां तक चीफ मिनिस्टर फेस का सवाल है, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही निर्णय करेंगे करना या नहीं करना, और करना तो किसको करना। मगर देश में हम कई बहुत सारे चुनाव फेस तय करे बगैर लड़े हैं, जैसे यूपी 3/4 मेजोरिटी से जीते, हमारा कोई फेस नहीं था उस वक्त जब चुनाव में गए। ढेर सारे चुनाव हम ऐसे ही लड़े हैं, जीते हैं। और जहां तक कंसर्न का सवाल है, हमें आपकी मदद चाहिए, आप हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाइए और ममता जी के दबाव में मत आइए, इतना ही है, बाकी सब हम कर देंगे। सत्यजीत फ्रॉम CN। सर मेरा सवाल है आपसे कि अब 200 सीट्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं, पहले 18 सीट के बारे में भी जिक्र किए थे, तो इसका बुनियाद क्या है? और दूसरा सवाल है कि इस राज्य में बीजेपी का विस्तार आपके जाने के बाद और फिर आने से पहले किस तेजी से हो सकता है, और वायलेंस क्या होगा, वो किस में, आप तो गृह मंत्री है। देखिए, वायलेंस तो तृणमूल कांग्रेस पर निर्भर करती है, और जहां तक 200 सीटों का बेसिस का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने विगत 5 सालों में अपने संगठन को हर बूथ तक फैलाया है, और दूसरा बंगाल की जनता के मन में जिस प्रकार की अविश्वास तृणमूल कांग्रेस पर खड़ा हुआ है, गुस्सा जिस तरह से खड़ा हुआ है, स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि इस बार परिवर्तन होगा और बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। प्रतिदिन रूपायन। सर बांग्लায় বলতে পারি? নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি বলুন, স্বপনদা ট্রান্সলেশন করে দেবে।
আপনি দলীয় বৈঠকে 2021 নির্বাচনকে সামনে রেখে কিছু বিষয়ে বলেছেন যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষজনকে বুথ কমিটিতে নেওয়া থেকে শুরু করে এবং মহিলাদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টা, এইটা যদি একটু বলেন। বাবুল ট্রান্সলেট করেন, উনকা হিন্দি মেরে বলো বাবুল। মহিলাও কে বিষয় মে আপনি কি সোচ হ্যায় ইয়াকে বঙ্গাল মে ইয়ে জাননা চাহতে হ্যায়? নাই, সবসে পহলে তো কে ডেভেলপমেন্ট ভারতীয় জনতা পার্টি কা সোচ মহিলাও কে সম্মান কে প্রতি হমেশা সমর্পিত রাহা হ্যায়। हम चाहते हैं कि बंगाल में भी इनकी शिक्षा की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो और रोजगारी के समान मौके महिलाओं को उपलब्ध करने चाहिए और विशेषकर सुरक्षा सुनिश्चित कर देनी चाहिए। रिपब्लिक सुरागना। नमस्कार सर। सर आपसे एक सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल की बॉर्डर जो है वो पोरस बॉर्डर है, 9 लोगों को उठाया जाता है एनआईए के द्वारा जिनको सस्पेक्टेड अलकायदा टेररिस्ट कहा जाता है। सर अलकायदा के टेररिस्ट सस्पेक्टेड भी हो, अगर उन वो पश्चिम बंगाल में वो ऐसे लोग मिलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भारत सरकार कैसे देख रही है? और दूसरी सवाल सर कि हाल ही में हमने महाराष्ट्र में देखा है कि मुंबई पुलिस के द्वारा रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के ऊपर बहुत सारे 12 से ज्यादा केसेस हुए हैं, उन पे क्या ये नहीं लगता कि ये मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की शिवसेना गवर्नमेंट जो है वो पर्सनली अटैक कर रही है उनको, उनको अपने घर से मुंबई पुलिस जो है वो उठा के लेके जाती है और केसेस जो हैं वो बहुत पुराने और नए नए रोज रोज उनके ऊपर एफआईआर हो रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर पूरे विषय? प्रतिक्रिया तो मैं ट्विटर पर दे चुका हूं कि प्रेस की स्वतंत्रता तो को किसी भी पार्टी या सरकार ने बाधित नहीं करना चाहिए, मगर ये कांग्रेस का इमरजेंसी के समय से एक कल्चर रहा है, एक संस्कृति रही है, हम इसके विरुद्ध है और मेरी पार्टी ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, न केवल बंगाल, हर जगह पे जहां जहां इस प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं हम निर्ममता के साथ इनके साथ व्यवहार कर रहे हैं और कानून की एजेंसियां जो है वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। फाइनल क्वेश्चन, आई थिंक मुनिदीपा यू हैड योर हैंड अप। मिस्टर शाह नमस्कार, वांटेड टू आस्क यू, ये जो आप आए कल तब से ये प्रश्न जरूर मन में है कि बिहार आप नहीं गए, बंगाल आ गए, इलेक्शन अब तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, किस लिए अचानक फोकस बंगाल पर या ये आपका स्ट्रैटेजी ही है? नहीं, बिहार मेरे न जाने का एक ही कारण था, मैं खुद कोरोना ग्रस्त हो गया था, कोरोना की आफ्टर इफेक्ट के कारण थोड़ा वीकनेस था, 5 तारीख से मुझे बाहर निकलने की मेरे डॉक्टरों की अनुमति मिली और 5 तारीख को वहां प्रचार समाप्त हो रहा था। और जहां तक बंगाल पर विशेष फोकस का है, हाँ जी है, हम फोकस करना चाहते हैं, लड़ना भी चाहते और जीतना भी चाहते। हाँ, कर लो मनोज्ञा, एक सेकंड मनोज्ञा कर रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा, इसे आप कैसे देखते हैं और बिहार के रिजल्ट पर अगर कुछ कहें क्या एक्सपेक्ट? देखिए, जहां तक रिजल्ट का सवाल है, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और एनडीए के नेता नीतीश जी की शपथ होने वाली है। सर एक सवाल, एक सेकंड नीतीश जी के रिटायरमेंट पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। सर एक सवाल, मैं प्रदीप्त पीटीआई से, यहाँ का जो गवर्नमेंट है, टीएमसी गवर्नमेंट बार बार एक सवाल कर रही है, आरोप लगा रही है कि यहाँ के जो गवर्नर है ही इज एक्टिंग लाइक ए एजेंट ऑफ बीजेपी, तो आपको क्या लगता है, आपको इसके बारे में क्या कहना है? आपको क्या लग रहा है कि गवर्नर अपने दायरे के अंदर काम कर रही है या फिर ही इज क्रॉसिंग हिज लिमिट्स? बिल्कुल अपने दायरे में काम कर रहे हैं और गवर्नर के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग चुनी हुई सरकार के नेताओं ने नहीं करना चाहिए। मुझे मालूम नहीं है कि रिपोर्ट मेरे पास सच है या नहीं है, मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। अनेक धन्यवाद सर। एक सेकंड भैया, ओ आप बाहर ही निकल जाइए ना। लाइव चल रहा है, इतना बता दो इसको। सर जहां तक आपने पूछा कि गवर्नर
उचित करे या नहीं करे। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैंने वेरीफाइड नहीं किया है, कल जाकर मेरी ऑफिस में वेरीफाइड करूंगा। गवर्नर अभी दार्जिलिंग गए और कोई डीएम उनको मिलने के लिए गए तो ट्रांसफर कर दिया, ये क्या उचित है क्या? मौका मिले तो ममता जी को पूछना जरा। सर एक अनेक धन्यवाद सर, एक सवाल है, एक्टा प्रश्न पूछ लो, चलो अंतिम। सर ये सही बात है कि पिछले कुछ सालों में आपके पार्टी ने बंगाल में बहुत अपना जो संगठन है उसका विस्तार किया है, लेकिन कभी कभार ऐसा रिपोर्ट आ जाता है कि इस स्टेट यूनिट में कुछ फैक्शन फाइट्स है, कोई एक फैक्शन के साथ दूसरा फैक्शन का फाइट है, इस बारे में आपका क्या? हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, ये परिवार की पार्टी नहीं है, तो विचार भिन्न होंगे ही होंगे। चलिए धन्यवाद।